गुड मॉर्निंग, स्वागत है नए वीडियो में। एंड गाइस, सुबह सुबह आ गए तो मटर का सब्जी बनाने। मसाला पीस के रख लिया यहाँ पे। अभी मटर और आलू को बॉईल करने कुकर में। तो गाइस, आज होगा मछली। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं। पर मम्मी यहाँ पे लग चुकी है, देखो काम पे। मस्त मछली करी, फिश करी। मम्मी थोड़ा फिश को अच्छे से धो दे रही है, बस मेरा काम है उसको तलना, अच्छे से फ्राई करना। तो वो करेंगे, सबसे पहले तो मटर का सब्जी बनाना पड़ेगा। तो ये लगभग हो गया ना, हो गया। चार सीटी मारे, चलो और एक सिटी, पांच सिटी में उसको खोला जाएगा। अब देखेंगे अंदर मटर अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं हुआ। और आज का वेदर भाई थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा बारिश होगा बहुत जल्द। तो ऐसा है वेदर, धूप सुबह सुबह धूप दे रहा था और अभी पूरा अंधेरा हो गया, लेकिन मेरे को ऐसा वेदर भी अच्छा लगता है, बस बारिश ना हो जाए एकदम। बहुत सही है वेदर आज। हेलो सिटी, चलो एक सिटी और हो गया। उसके लिए मेरे को चाहिए, वो किधर गया है? तो हो पूरा गल गया है ये इसका जो ये छूट गया जो हाँ तो छूटने दो, ऐसा ही अच्छा लगता है। गाइस अभी बनाने वाला हूँ मटर का सब्जी और इसके बाद ये देखो यहाँ पे मम्मी सब कुछ तैयार करके रख दिया है, बस मेरे को इसको तलना है। अच्छे से नमक और हल्दी मिक्स कर दिए, तो काम चालू करते हैं। मस्त हवा आ रहा है, हवा बहुत सही आ रहा है बाहर से, तो मैं सोचा थोड़ा देख लेते। तब तक हमारा ये कढ़ाई भी गर्म हो गया, अब इसमें तेल। तो गाइस मैं प्याज काटने भूल गया था और मैं उधर कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ तेल देने वाला था, अब फिर सोचा इसमें तेल देने के बाद डालूं क्या। फिर मैं प्याज काटा और अभी फिर तेल जाएगा इसमें और फिर प्याज जाएगा। तो गाइस मैं इधर आया हूँ टमाटर और धनिया पत्ता भी निकालने। यहाँ पे धनिया, चलो जी। ये धनिया पत्ता इसको अच्छे से धोना होता है, इसमें थोड़ा बहुत अलग घास भी रहता है, तो इस चक्कर में ना निकालने का मन ही नहीं करता भाई, निकाल के इसको धो के यूज करो तो अच्छा लगेगा खाने में, आलस। तो गाइस ये सुबह का नाश्ता मेरा, नाश्ता कर लेता हूँ उसके बाद बनाऊंगा फिश करी। और साथ में मेरे को चाहिए रोटी
ये बात। बहुत दिनों बाद मटर का सब्जी बन रहा है, ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, पूड़ी के साथ तो और भी अच्छा लगता है। तो मैं इधर नाश्ता करूंगा व्हाट इफ देख देख के। सही है। तो गाइस नाश्ता हो गया और अब जल्दी से फिश करी बना लेता हूँ। तो अभी तेल गरम हो रहा है, तेल गरम होते साथ मैं ये सब एक एक पीस उसमें डालना चालू करूंगा। तेल को अच्छे से गरम करना है, नहीं तो वो चिपक जाता है कढ़ाई से। एकदम गरम करके फिर छोड़ूंगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है भाई, चिपक जाने से उसको हटाना मतलब टूट जाता है बीच बीच में। एकदम अच्छे से कड़क करके फ्राई करना। ओह हो, आंख से पानी निकल गया। वो सरसों का तेल का जो झांझ है ना, वो भाई आंख में लगा और आंख से पानी निकल दिया। जैसे कि मैं किचन में काम करूं और धुआं ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ बस पूरा धुआं से भर गया रे भाई, ये देखो दिख रहा है क्या धुआं। मैं यहाँ पे मछली को चढ़ा के मैं उधर वाटिप देख रहा था और पता चला कि भाई जल रहा है कुछ, तो आ गया। वैसे ज़्यादा काला नहीं हुआ है, ठीक ही है। अब मैं इधर तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए इसमें आलू डाल दिया। आलू को भी फ्राई करके फिश करी में डाल देंगे तो तेल थोड़ा ये हो जाएगा। खैर गाइस अपने धुआं ही धुआं, बालकनी तरफ आ जाओ भाई। देख रहा वेदर, वेदर का हालत क्या है, बहुत ही सुहाना मौसम है भाई। बस बारिश ना हो, ऐसे ही रहे, एकदम मस्त है भाई। ये कितना मस्त लग रहा है, पूरा घर धुएं से भर गया। ये देखो दिखेगा नहीं लेकिन धुएं से तो भरा है। तो गाइस फिश करी बन चुका है और गाइस इस चक्कर में ना चावल बैठाने ही भूल गए थे। इधर चावल भी पकने हैं, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही दिया हूँ, थोड़ा लेट हो गया आज। तो गाइस शाम हो चुका है और अभी चाय बनेगा, शाम का चाय। तो मम्मी चाय बनाने जा रही है। चाय बन गया, तो गाइस घर में सबको एसिडिटी हुआ है तो मैं अभी निकला हूँ इनो लेने। इनो ले लिया और सबको बाहर ठंडा लग रहा, मैं हाफ पैंट में निकल गया भाई, सब देख रहे हैं मेरे को। वहां पे कुछ तो ऐसे कांप रहे थे मैं उसके सामने से गाना गा के निकल रहा हूँ ऐसे करके मेरे को ताल रहा है कि कौन है भाई, कौन आ गया। ऐसे मजा आ गया, रिएक्शन देखने में मजा आ गया। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्या कैमरा लेके मुंह रिकॉर्ड करूं ऐसे करके। क्या गाइस ये देखो इनो लाया, भैया को भी एसिडिटी और मेरे को भी। ज्यादा ज्यादा मटर का सब्जी, मटर का सब्जी में एसिडिटी होता है क्या? हाँ। ले आज तुम लोग ज्यादा मटर खा रहे हो। असल में एक बार में मन ही नहीं भरती, इतना मस्त बना था ना, एक बार खाए और एक बार लेते ऐसे करके। मैं तो कितना अंडा दोनों में ज्यादा। अंडा कहाँ है आज? नहीं अंडा लेकिन मटर तो खाया ना। पहले एक कटोरा रोटी के साथ खाया, फिर मम्मी जब बैठी खाने तब और एक बार लिया बहुत सही बना था। अभी थोड़ा बचा हुआ भी है रात के लिए, तो हम लोग सोच रहे आज रात को कुछ नहीं करेंगे बस, बाकी मच्छर
मछली भी है, मटर का सब्जी, मतलब दोपहर को खा ही नहीं पाए, मन ही नहीं कर रहा आज खाने को कुछ, तो इसलिए आज कुछ बनेगा नहीं रात को। शाम होते ही मच्छर का हमला हो जाता है। लड़क बच्चा बना तो इसी बात पे बोल रहा हूँ, चाय बनाने तो मम्मी मना कर रही है, उसमें और बोलता है गैस होगा, एसिडिटी होगा उसमें और। तो गाइज अभी डिनर वगैरह करेंगे और गाइज इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।